हाउसिंग स्कैम में 15,000 करोड़ लूटा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 10,000 करोड़ के आसपास लूटा है, 9,600 करोड़ के आसपास। तो उड़ीसा का जनता को हम कोशिश करें हर पार्लियामेंट असेंबली में जाकर के कि सावधान रहिए ये पान वाले से, ये आपको जो है फ्री में एक पान खिलाएगा और लूटेगा, पॉकेट मारी करेगा। ये पान में कैसे कैसे मुद्दे भाजपा के, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दा डाल देंगे पान में, अनाप शनाप ध्यान भटकाने वाले बातें डाल देंगे। असली मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। असली मुद्दा क्या है, महंगाई। असली मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार। मोदी जी जो है और नवीन पटनायक, हम तो पुलिस में थे, पहले गैंग्स होते थे हफ्ता वसूली के, अब तो सीएमओ पीएम ही हफ्ता वसूली कर रहा है। ईडी भेजता है अपना गैंग्स गुर्गे गैंगस्टर को, हिंदी में गुर्गे बोलते हैं उसको, अपना गैंगस्टर को ईडी को भेजता है और इसको डरा उद्योगपति को, वो डरा करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद रहा है। गैंगस्टर को बोलते कह रहे तू कांग्रेस में एमपी, तेरे ऊपर जो है मारपीट होगी, पिटाई होगा, जेल बंद कर देंगे, तो बीजेपी में ज्वाइन कर ले। ऐसे 400 एमएलए को मोदी ने ज्वाइन करा, तो गुंडाई है ना। उसी तरह से 25 ईडी का छापामारी हुआ, उसमें से 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस और अलग पार्टी के बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। तो मोदी और नवीन पटनायक एक गैंग का लीडर हो गए। हम उड़ीसा के ताकि आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इनका पान मत खाइए, बहुत ही हानिकारक है। कांग्रेस फ्री में शुद्ध पान दे रहा है आपको, आपका स्वास्थ्य बचाने के लिए। मीठा पान, कोई जर्दा नहीं, कोई तंबाकू नहीं, ताकि आपके बच्चे ठीक रहे, डाइजेशन भी होगा और पॉकेट में पैसे भी रहेगी। उड़ीसा से 30 लाख लोग भाग जाते हैं ये पान खिला के जो आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा का सबसे हानिकारक व्यक्ति है, तो भगाइए और कांग्रेस का पान खाइए और प्रचार कराइएगा कि इनका पान से सावधान। सर बाकी जो टिकट मैडम ये सिलेबस में चलिए, यही है, ये पान पान का असर है, पान का असर नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सर पान बहुत महंगा है, पान बहुत महंगा है सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बीजेपी और बीजेडी का पान आपको फ्री में मिलेगा, क्यों 9 लाख करोड़ लूटना है। अरे कितना बचा है, पान खा के बोल रहा है।